लड़की डैनियल और गुसेल दोनों है। पीहू ने टेडी बेयर को नीचे फेंक दिया और फिर नीचे पानी डाला। छोटी लड़की ने नीचे झाँका। पीहू ने गलती से अपनी पसंदीदा गुड़िया को सुखाने वाले रैक पर गिरा दिया। लड़की ने हाथ बढ़ाया लेकिन उसे उठा नहीं पाई तो पीहू रेलिंग पर चढ़ गई। गुड़िया को लेने के लिए छोटी बच्ची ने रेलिंग पर चढ़ने की कोशिश की। पीहू को खतरे का आभास नहीं था, अगर वो बस थोड़ा और झुक जाती तो वो गिर जाती। पीहू की माँ अभी भी सो रही थी, उसे नहीं पता था कि उनकी बेटी अभी भी खतरे में है। पीहू अपनी माँ को खोजने के लिए कमरे में गई। उसने माँ को अपनी गुड़िया लेने को कहा लेकिन माँ ने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। इस पल पीहू के माँ के हाथ से एक औषधि गिरी, सफेद गोलियाँ फर्श पर बिखर गई। पीहू को नहीं पता था कि ये क्या है। छोटी लड़की ने एक उठाया और माँ से पूछा कि क्या वो खा सकती है। बेचारी बच्ची को नहीं पता था कि उसकी माँ मर चुकी है। ठीक कल माँ ने पीहू की बर्थडे पार्टी भी तैयार की लेकिन एक झपकी के बाद उसे नहीं पता था कि माँ ने उसकी उपेक्षा क्यों की। पीहू ने एक जोड़ी पैंट ली, वो चाहती थी कि माँ उसे तैयार करे। माँ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लड़की ने अपनी पैंट प्रेस की मेज पर फेंक दी। अचानक किचन में शोर हुआ, नल चल रहा था। पीहू नल बंद करना चाहती थी लेकिन उसकी बाहें बहुत छोटी थी तो वो बंद नहीं कर सकी। पीहू को नहीं पता था कि जमीन पर एक सॉकेट था, अगर वो भीग गई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। पीहू ने बेडरूम में प्रवेश किया, उसने लगातार माँ को जगाने के लिए बुलाया। पता चला कि वो शौचालय जाना चाहती थी लेकिन माँ ने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पीहू को खुद शौचालय जाना पड़ा। अंत में मूत्र अभी भी उसके हाथ में चिपक जाता है। नन्ही सी बच्ची ने माँ की ओर हाथ उठाया और कहा, माँ मेरा हाथ साफ करो। इस समय फोन की घंटी बजी लेकिन फोन बुक शेल्फ पे था। पीहू कुर्सी लाती है, जब वो फोन पर पहुंची फिर वो जमीन पर गिर गई। उसे कोई बुला रहा था। पीहू के पिता की डांट की आवाज निकली। पता चला कि उसकी पत्नी से उसका पहले भी विवाद हो चुका है। पीहू के माँ के फेस पर चोट के निशान देखिए, उसके पिता ने पत्नी को पीटा था। पिता अभी भी बड़बड़ा रहा था, आपने मेरे सामान की व्यवस्था नहीं की, मैं लगभग विमान से चूक गया। अंत में उसने अपनी पत्नी को याद दिलाया, वो लोहा बंद करना भूल गई। पीहू ने अपने पिता से कहा कि माँ सो रही है। उसने अपनी पत्नी को कुछ कहते नहीं सुना। पीहू के पिता को लगा कि उनकी पत्नी अभी भी गुस्से में है, फिर उसने फांसी लगा ली। वो नहीं जानता था कि उसके जाने से पहले नींद की गोलियां खाकर पत्नी ने आत्महत्या की है। उसे एहसास नहीं हुआ भाग्य बेचारी पीहू को कहां धकेलेगा। पीहू ने गैस चूल्हा ऑन किया, फिर रोटी रखा। पीहू को रोटी के टुकड़े का बेसब्री से इंतजार था लेकिन रोटी जल गया तो पीहू ने रोटी को माइक्रोवेव में रखा, जैसा कि माँ आमतौर पर करती थी। लड़की ने बिना समझे कोई भी नंबर दबाया, वो बहुत भूखी थी। छोटी बच्ची बहुत उत्साहित थी लेकिन जब उसने माइक्रोवेव खोला रोटी फिर से जल गया। पीहू को फ्रिज में खाना याद आ गया, गैस स्टोव अभी भी चालू था। पीहू फ्रिज खोलना चाहती थी पर वो कमजोर थी तो फ्रिज बस घूम गया। उसने आखिरकार फ्रिज खोल दिया। उसने कल रात का केक निकाला, उसे खाने में मजा आया। पीहू ने ब्रेड का थैला निकाला, वो ऊपर ले आई। छोटी लड़की ने अपनी माँ को जैम के साथ लगा हुआ ब्रेड का एक टुकड़ा दिया पर माँ अभी भी बेसुध पड़ी थी। पीहू को लगा कि माँ पागल है तो उसने टीवी चालू कर दिया। उसने माँ का पसंदीदा चैनल खोला। लड़की ने माँ को जगाने की आशा जोर से आवाज की लेकिन माँ बिस्तर पर बेसुध पड़ी रही। पीहू घबराने लगी, छोटी बच्ची रो पड़ी और अपनी माँ को जगने के लिए बोला लेकिन माँ अभी भी झूठ बोल रही थी। छोटी बच्ची रोने लगी, उसने माँ के चेहरे पे चोट का निशान देखा। पीहू ने कहा, माँ घायल है, उसे क्रीम चाहिए। छोटी लड़की ड्रेसिंग टेबल के और दौड़ी। आईने पर माँ के अंतिम शब्द थे, अतीत में मैंने तुमसे शादी करने के लिए अपने परिवार की आपत्ति को टाल दिया था पर अब सिर्फ मुझे दुर्व्यवहार और व्यभिचार मिला है। मैं मूल रूप से पीहू को अपने साथ ले जाने का इरादा रखती हूँ लेकिन काफी बहादुर नहीं। पीहू भी जानती थी उसकी माँ को अक्सर उसके पिता द्वारा पीटा जाता था। पीहू की माँ हमेशा उसे ढकने के लिए क्रीम का इस्तेमाल करती थी अपने पति का चेहरा न खोने के लिए। इसके बाद पीहू ने अपने माँ के लिए गाया, क्योंकि हर बार माँ पापा की चपेट में आ जाती है। छोटी बच्ची ने इस तरह अपनी माँ को दिलासा दिया। इस पल लड़की को पता चला कि प्रेस से धुआं निकल रहा है। पीहू ने अपनी पैंट जमीन पर पटक दी, उधर से अभी भी धुआं उठ रहा था। पीहू लोहे के बारे में उत्सुक थी, उसने इसे छुआ और जलने के कारण रोने लगी। छोटी बच्ची माँ पर चढ़ गई, रोते रोते थक गई फिर माँ के पास सो गई। समय बीत गया, फोन फिर बज उठा। पीहू ने शासक को बाहर निकाला और फोन निकाला, अभी भी पिताजी का फोन था। उसकी आवाज अब नरम थी। उसने पत्नी को समझाया, कल रात बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए घर ना आ सके, इस वजह से पीहू की माँ को शक था कि उनके पति का अफेयर चल रहा है। सबसे अच्छे दोस्त के साथ भी पीहू ने फिर भी अपने पिता से कहा कि माँ सो रही थी। पिता को फोन बंद करना पड़ा। पापा को फोन बंद करते देख पीहू खेलने के लिए खिलौना फोन ले गई। फिर इस पल टेबल लेग पर फोन कॉर्ड पकड़ा गया, उसने फोन कॉर्ड खींच लिया। मेज पर लोहा नीचे की ओर था, धुआं उठने लगा। पीहू को नहीं पता था कि खतरा नजदीक है। छोटी लड़की खेलने के लिए नीचे भागी। फ्रिज का दरवाजा खुला देखकर पीहू की जिज्ञासा बढ़ी। छोटी बच्ची फ्रिज में छिप गई, उसने दरवाजा बंद कर दिया। जल्द ही फ्रिज हिलने लगा। पीहू ने अंदर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, अगर फ्रिज गिर गया परिणाम भयानक होगा। माँ अभी भी बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी। कुछ देर निराशा के बाद लड़की ने आखिरकार दरवाजा खोला। फ्रिज के ऊपर रखे जार टूट गए और फर्श गंदा हो गया। पीहू अपनी माँ की तलाश में ऊपर जा रही थी तभी खतरे की घंटी बजी। अचानक एक बार में वाटर हीटर फट गया। पीहू डर के मारे रो पड़ी। छोटी लड़की ऊपर भागी, दवा खाकर माँ ने आत्महत्या की थी। पिताजी व्यापार के सिलसिले में बाहर थे। 2 साल की बेटी
अपने घर पर अकेली थी। उस पर लोहे से सफेद धुआं निकल रहा था। गैस स्टोव अभी भी चालू था, नल अभी भी चल रहा था, फर्श गंदा था। पीहू अभी भी टीवी देख रही थी। स्क्रीन अचानक बंद हो गया, घर में बिजली चली गई थी। ये स्त्री ने ब्रेकर को छलांग लगा दी। पीहू को नहीं पता था कि क्या हुआ है। टीवी के पीछे पड़ी छोटी बच्ची ने जाकर तार के छोर को देखा। छोटी लड़की ने बिजली चालू की जैसे पापा करते थे। इस पल फोन फिर बज उठा, अभी भी पिताजी का फोन था। पीहू ने पिताजी से उसे एक कहानी सुनाने को कहा। पिताजी ने पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है? पीहू ने जवाब दिया, माँ अभी भी सो रही है। उसने दोहराया, माँ अभी भी सो रही है, जिससे पापा डर गए। पीहू के पिता को चिंता होने लगी। पीहू अपने माँ के करीब चली गई। नन्ही सी बच्ची ने माँ पर सिर फोड़ लिया। तब तक पीहू के माँ के आसपास मक्खियाँ आ चुकी थी। लड़की को जमीन पे पड़ी गोली याद आ गई। पीहू ने एक उठाया और पूछा, माँ क्या मैं खा सकती हूँ? लेकिन माँ ने अभी तक जवाब नहीं दिया था। पीहू ने गोली उसके मुँह में डाल दी। एक गोली, दो गोली, तीन गोलियाँ, उसे नींद आ गई। पीहू जमीन पर सो गई। फोन फिर बज उठा, फोन बंद था। पीहू फिर भी नहीं उठ पाई। अंत में माँ और बेटी, एक व्यक्ति जमीन पर पड़ा था और भी दुर्भाग्यपूर्ण, फिर से बिजली आ गई। पिता के घर आने तक अंधेरा था तो वो घर में भाग गया। नर्क जैसे दृश्य ने उनकी आंख पकड़ ली। उसकी पत्नी बिस्तर पर बेसुर पड़ी थी। पापा ने सॉरी कहा। ठीक उसी समय पीहू की आवाज़ सुनाई दी, पापा ये देखो मैंने एक सुंदर घर बनाया। उसने माँ को जगाने की जल्दी की। फिल्म के दौरान केवल एक लड़की दिखाई दी, लेकिन इसने दर्शकों को थ्रिलर के लिए प्रेरित किया समय समय पर। कृपया फिल्म को अपने आप समाप्त करें।